हाय फ्रेंड्स, दिस इज ध्रुव और आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से आया हूँ एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है, डॉग ट्रेनिंग, पेट ट्रेनिंग के रिलेटेड है। साथ ही साथ सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंकफुल हूँ जो आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को इतना ज़्यादा पसंद किया। तो आज आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरे कलीग हैं जिनका नाम है मनोज शांखला, ये बाय प्रोफेशन डॉग ट्रेनर हैं। तो मनोज जी, सबसे पहले बहुत थैंक यू जो आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आप आए हैं। आप मुझे ये बताइए और मेरे दोस्तों को ये बताइए कि आपने आज तक कितने डॉग्स को ट्रेन किया है। थैंक यू ध्रुव मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैंने जो डॉग जयपुर में ट्रेन किए हैं 200-250 डॉग मैंने ट्रेन कर चुका हूँ अभी तक। ओके, और फिर इसी के साथ आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई थी, और आप मुझे ये भी बताइए कि आपके हिसाब से डॉग ट्रेनिंग का जो एज होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट करना चाहिए? वैसे डॉग ट्रेनिंग की जो एज होती है वो 2-2.5 महीने से चालू हो जाती है। जो ओनर होता है वो खुद 2-2.5 महीने से उसको कमांड्स में डालना चालू कर सकता है। जो प्रॉपर टाइम जो होता है उसका 3+ पे ही होते हैं, 3.5 महीने पे ही ट्रेनिंग चालू होती है, प्रॉपर जो ट्रेनिंग चालू होती है। इससे पहले ट्रेनिंग का जैसे आप 2-2.5 महीने पे आप ओनर चाहे तो उसे सिट विट सिखाना, ट्रीट के साथ सारा गेम होता है चालू। तो वहाँ से ही डॉग उसके प्यार प्यार से उसको ट्रीट करता जाए, डॉग सीखते जाता है। सो आपके अकॉर्डिंग 2.5 से 3+ तक के एज को, 3 मंथ्स के एज तक के डॉग्स को हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, गुड। और साथ ही साथ मुझे आप ये बताइए कि किन किन तरह की ट्रेनिंग पेट्स को दी जा सकती है। पेट्स को 3 तरीके की ट्रेनिंग होती है। कौन कौन सी? जैसे एक तो बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसे ओबिडेंस ट्रेनिंग बोलते हैं, एक होती है शो ट्रेनिंग और एक होती है गार्ड ट्रेनिंग। और जो गार्ड ट्रेनिंग जो होती है उसके अंदर अपन जैसे डॉग्स को कमांड्स देते हैं गार्ड्स के लिए, वो अपने गार्ड्स का ही काम करता है। उसमें अपन बोलेंगे बाइट करने के लिए तो डॉग बाइट करेगा, बाकायदा उसके गार्ड्स की तरह अपनी सिक्योरिटी के लिए रहेगा, गेट पे ही खड़ा रहेगा, कोई गेट नॉक करेगा तो वो भौंकेगा, अपने आवाज़ में जो भी कुछ करेगा वो सारा कुछ अपने गार्ड की तरह ही काम करेगा। एक होती है ओबिडेंस ट्रेनिंग जिसमें डॉग कमांड्स में रहना, यानी सिट हुआ, शेकन हुआ, ये जो भी कुछ ट्रेनिंग होती है उसमें कमांड्स में डॉग रहे, नॉक या तो नॉक पे मान जाए, रोकने के लिए कहा तो रुक जाए, कोई भी चीज़ अपने लाके दे दे या कुछ, ये ओबिडेंस ट्रेनिंग में आता है। और एक शो ट्रेनिंग होती है जो शो के अंदर होती है, जैसे डॉग्स का वो उसके अपने ब्रीड्स के हिसाब से होता है, डॉग्स के ऊपर होता है वो सारी चीज़ें शो के अंदर, और डॉग्स देख के ही डॉग शो की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा मनोज जी। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि जैसे डॉग ट्रेनिंग होती है तो इनका टाइम पीरियड क्या होता है, कितने दिनों में कितने महीनों में ये कम्प्लीटली ट्रेन हो जाते हैं, तो इसका कैसे पता चलेगा और कैसे आप करते हो मैनेज? सर, जो डॉग का जो सीखने का बेसिक का जो टाइम होता है ना, 3 से 6 महीने के अंदर डॉग बेसिक कंप्लीट पूरी कर लेता है। ओके। तो इसी के साथ मुझे एक बात बताइए मनोज जी, जैसे क्या होता है ना, हमारे ज़्यादातर जो फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे ज़्यादातर कलीग्स होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि पहले लोगों के पास गाइडेंस नहीं थी। तो डॉग ट्रेनिंग, जैसे डॉग एडल्ट हो जाता है, जैसे 1+ हो गया या 2 साल का हो गया, क्या इन डॉग्स को ट्रेन किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आराम से। ओनर चाहे तो क्या कुछ नहीं करता, ओनर ही सबसे बड़ा ट्रेनर होता है डॉग्स का। अगर ओनर चाहे उसे शुरू से अपने उसमें कमांड्स में रखे, सब कुछ रखे, तो वो सब ओनर्स के ऊपर ही होता है। आप चाहो, मैंने खुद ने 5-6 साल का डॉग ट्रेन किया है, 12 साल का डॉग ट्रेन करके दिया है ओनर को, मैं खुद ऐसे काम में कर चुका हूँ मैं। ओके। बहुत अच्छा लगा मनोज जी। साथ ही साथ मुझे ये बताइए, अब तक के आपकी इस लंबे चौड़े जर्नी में सबसे इजी डॉग कौन सा लगा जिसको ट्रेन किया जा सकता है, और आपने आपको सबसे इजी कंफर्टेबल लगा है, और सबसे हार्ड कौन से डॉग को ट्रेन करना होता है? भाई सबसे हार्ड पे जाओ तो जैसे पाकिस्तान बुली हुआ, और इजी पे जाओ तो टॉय ब्रीड हुआ और ये लैब वैब हुआ, ये इजी होते हैं। हार्ड मुझे जो अभी तक पड़ा वो जैसे पाकिस्तानी बुली पड़ा, और एक बीगल जो होते हैं वो भी मुझे बहुत हार्ड ट्रेनिंग में ही आते हैं मेरी। अच्छा, क्यों आप बीगल को हार्ड ट्रेनिंग में कहोगे? क्योंकि थोड़े से वो होते हैं इसलिए। तो साथ ही साथ मैं बस जाने से पहले आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि जैसे होता है कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे ट्रेनर्स का जाना पॉसिबल नहीं होता, जहाँ पे अच्छे ट्रेनर्स नहीं मिलते हैं, तो क्या डॉग ओनर जो है अपने डॉग्स को ट्रेनिंग दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है, आजकल आराम से दे सकता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक ओनर ही ट्रेनर होता है डॉग्स के लिए। सबसे बड़ा तो वो ओनर को ही समझता है सब कुछ अपना, जो भी कमांड्स होती है वो सब ओनर के ऊपर ही होती है, किस तरीके से खिलाता है सारा कुछ। आप उसे कुछ भी करे शाबाशी देते रहो, सिट बोला सिट पे बैठ जाए शाबाशी दो, ट्रीट करो डॉग को, आप उसको समय दोगे तभी तो डॉग आपको समझेगा, आप डॉग को समझोगे, ये सारा कुछ टाइम के ऊपर होता है। टाइम आप डॉग को दोगे तो सारा कुछ समझने लग जाएगा, सीखने लग जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली मनोज जी आपने। टाइम देने पे सब कुछ पॉसिबल होता है, बस आप ट्रीट कैसे करते हो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। बहुत अच्छी बात।
अब आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है, जिससे मेरे ज्यादातर कस्टमर्स या फिर ज्यादातर मेरे फ्रेंड्स या बहुत सारे जगह मैंने कंप्लेन देखी है, क्या डॉग ट्रेनिंग के दौरान डॉग्स को मारना जरूरी होता है या मारना पड़ता है? नहीं, मैं बताऊं आपको, डॉग ट्रेनिंग अगर एक टाइम पे चालू होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक 3 महीने प्लस पे डॉग की सही उम्र होती है ट्रेनिंग चालू करने की, उस टाइम पे अगर आपने डॉग को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया तो आपको कभी भी मुझे लगता नहीं कि हाथ उठाने की उसके ऊपर जरूरत पड़ेगी। जब आपका डॉग ही आपके कमांड्स में रहेगा तो आप क्यों मारोगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मतलब आपका कहना ये है कि जितने डॉग्स को आप ट्रेन करते हो उनको बिना मारे ही ट्रेन करते हैं, और ये हर ट्रेनर कर सकता है, जरूरी नहीं है उनके ऊपर हाथ उठाना या उन्हें मारना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो कहने के लिए बेजुबान है पर वो अपनी भाषा में सब कुछ बताता है, समझने वाला होना चाहिए साथ। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उनके अंदर भी फीलिंग तो होती है। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ मैं आपको थैंकफुल हूँ जो आप अपना कीमती समय यहाँ पे दे पाए और हमारे व्यूवर्स को, हमारे फ्रेंड्स को सब कुछ इन्फॉर्म कर पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिफोर वीडियो देखने के बाद हमारे लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा।